ललितपुर जनपद में हुई मूसलाधार बारिश के चलते खरीफ की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे क्षेत्र का किसान चिंतन और परेशान है। खेतों में जलभराव से फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई और किसान अपनी बर्बाद होती फसल को देखकर खून के आंसू रो रहा है। किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से ही दयनीय है और कर्ज उठाकर फसलों को बोते हैं, लेकिन हर साल किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के चलते फसल बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों के सामने अपने परिवार के भरण पोषण का संकट मंडरा रहा है। जिला मुख्यालय पर हजारों किसानों के अधिकारियों का घेराव किया और कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर भी बैठकर शासन प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और मुआवजे की बात की। SDM ने किसानों की समस्या को देखते हुए जिले के सभी लेखपालों और तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए फसलों का मुआवजा कर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है। प्रदर्शन किया है, क्या मांग उनकी? देखिए, हमारे जनपद में इस साल अतिवृष्टि से खरीफ की फसलें पूरा तीन अधिकांशतः नष्ट हो गई है। किसानों की ये डिमांड है कि उसका सर्वे करा के यथाशीघ्र उनको भुगतान किया जाए। हमारी टीमें बन गई हैं और हम सर्वे करा रहे हैं, अधिकांश सर्वे हो गया है। शासन हमारा पूरा धनराशि आग्रहण होकर शासन को जाएगा, शासन द्वारा पैसा आते ही उनके खातों में यथाशीघ्र भेज दिया जाएगा। तो क्या सर, मांगे मान ली गई? एक डेढ़ में मांगे मान ली गई? नहीं, हमारी नीति ही है, अगर किसान का कुछ फसल नष्ट होती है उसको हम मुआवजा देते हैं। सर, कितने तहसील में नुकसान सबसे ज्यादा है? देखिए, अभी तक जो सर्वे हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान आपका पाली, मड़ावरा, मैरौनी, ललितपुर है, ताल बेहट के कुछ जगह पूरा कला साइड में कम नुकसान हुआ है, लेकिन आकलन कर रहे हैं कम या ज्यादा, जिसका नुकसान होगा उसको पूरा पैसा मिलेगा।